तो नमस्कार जी सब भाइयों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबका वेलकम बैक करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो का जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा, पिटबुल सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं कि जिसका नाम सबसे ज्यादा खराब है मार्केट में डॉग्स के नाम में, तो वो एक ब्रीड है। तो जब भी कोई पिटबुल के बारे में सुनता है तो बस यही सोचता है कि एग्रेशन और मतलब कि काटने वाला कुत्ता। आज की जो वीडियो है उसका मेन मोटिव यही है, एक पिटबुल ओनर जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में अपना डॉग ओन किया और उसमें भी उन्होंने पिटबुल को चूज किया, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रीडर्स जो होते हैं, जब हम किसी ब्रीडर से राय लेते हैं तो लोगों का मानना है कि वो पिटबुल को ब्रीड कर रहे हैं इसलिए उन्हें अच्छा बता रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो दूसरी साइड पे अगर हम एज अ यूट्यूबर किसी चीज को सामने लाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि खाली नेट पे पड़ा है, एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं। तो एक रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे एक पिटबुल ओनर का। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ये शिवम जी हैं। और डॉग का क्या नाम है? ज्यूस। ज्यूस इस डॉग का नाम है। क्या एज है सर इसकी? इसकी एज अराउंड अबाउट 10 मंथ्स का हो गया अभी। ये 10 महीने जून में मैंने ये ब्रीडर से लिया था। ओके। तो तब शायद ये 45 डेज का था। 45 डेज का था जब इन्होंने लास्ट ईयर 2020 में जून जुलाई में लिया था ना। तो ये जो है एक अमेरिकन पिटबुल है, तो बहुत ही एक मतलब कि कह सकते हैं सुंदर डॉग है मार्किंग वगैरह के हिसाब से भी, और जो इसका बिहेवियर है वो सब कुछ अब भैया ही बताएंगे। तो सर जब आपने पिटबुल को चूज किया एज अ फर्स्ट डॉग, तो क्या चीजें थी जो घर वालों से फेस करनी पड़ी और क्या चीजें थी जो सोसाइटी से फेस करनी पड़ी? घर वाले तो पहले मान ही नहीं रहे थे कोई डॉग लेने के लिए। मैंने तो बड़ी देर से सोचा था लूंगा, फिर मैंने सोचा जर्मन शेफर्ड लूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि लैब्राडोर लूंगा। जर्मन शेफर्ड मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना था कि उसकी शेडिंग काफी होती है। ठीक है, इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। तो फिर मैंने पिटबुल, वो मूवी आई थी एक अपनी जॉन विक पैराबेलम, ओके, उसमें उसके साथ पिटबुल था। फिर एक और मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, उसमें जो ब्रैड पिट के साथ पिटबुल था। तो मतलब काफ़ी मुझे वहाँ से उसकी एक अपेयरेंस काफ़ी अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये डॉग बहुत अच्छा है। मतलब एक दिखने में लगता है कि एक फर्स्ट टाइम आपको चीज़ ट्रिगर कर जाती है ना कि डॉग देखो कितना अच्छा है, कितना ये है, हेल्दी है। तो मैंने वहाँ से पिटबुल चूज़ किया। फिर मैंने चूज़ तो कर लिया, मैंने ब्रीडर को बोल दिया, मैंने उसको पेमेंट भी कर दी। फिर मैंने बोला नहीं यार, सुनने में आया बड़ा एग्रेसिव होगा ये वो, खुद के ऐसे मिथ्स चले हैं कि पिटबुल जो है अपने ओनर्स को ही खा जाता है। बट जब ये आया तो तब तो छोटा सा था, तब तो हमें इतना पता भी नहीं चला कि क्या है। बट जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो इसमें कोई एग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये फर्स्ट टाइम भी किसी को अगर मिलेगा तो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेगा ना, उसका मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है इसके साथ। तो यही है इसका। तो मतलब कि आप ये जो चीज़ बता रहे हैं किसी से मिलता है तो एग्रेशन नहीं, ये फिर आपने या तो बचपन से इसको इस तरह से रखा है या फिर इसका बिहेवियर ही ऐसा डॉग का? देखो डिपेंड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग टू प्रोवाइड योर डॉग। ओके। मैंने इसको जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, मतलब मिलाता रहा था मैं, सोशलाइज मैंने इसको अच्छे से कराया। अब देखो एक कुत्ता और एक बच्चा एक ही तरह का होता है। आप जैसे बच्चे को ट्रीट करोगे वैसे कुत्ते को ट्रीट करोगे तो दोनों का बिहेवियर एक तरह से ही रहेगा। ज़्यादा बांध के रखोगे वो करोगे तो फिर कुत्ता भी नेचुरली एग्रेसिव तो होगा ही। कभी थोड़ा सा भी एग्रेशन नहीं शो किया? कभी दांत जैसे पपी बाइट वगैरह करते तो घर वाले? वो जब ये खेल रहा होता है ना इसके किसी टॉय के साथ या वो, तो हम जब उसको छीनने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं ऐसे इसके साथ, हम भी थोड़ा वो होते हैं तो फिर थोड़ा सा ग्राउल करेगा, अदरवाइज नहीं। शिवम जी ये चीज आप मतलब कि सामने भी कह सकते हैं, आप किसी भी तरह से डॉग को ब्रीड तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट डॉग है। फर्स्ट डॉग है, ब्रीड तो वैसे भी सोचा भी नहीं है? तो मतलब कि वही बात है कि जो चीज़ एक पेट ओनर के मुंह से और जो उसका एक खुद का एक्सपीरियंस है वही यहाँ पे शेयर करेंगे हम। तो जब आप इस डॉग को लाए तो मार्केट में भी बल्कि इसको वॉक वगैरह करवाने लेके जाते होंगे? हाँ, मैं इसको डेली लेके जाता हूँ। तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ की लोगों को लोग जो, हाँ एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको, लोग इसको जब ये सामने से आ रहा होता है तो लोग इसको देख के पहले ही अपनी लेन स्विच कर देते हैं, अगर हम राइट से जा रहे होंगे वो लेफ्ट में हो जाएंगे, डर जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, सामने से भी लोग चलते हैं तो कुछ नहीं करता, कभी बाइट करने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आज मैं खुद फर्स्ट टाइम इस डॉग से मिला हूँ और मुझसे भी मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि खाली नाम का पिटबुल लगा मुझे, बाकी है तो पूरा फ्रेंडली। तो जैसे अमेरिकन बुलीस हैं कि देखने में डरावने होते हैं मगर उनका जो बिहेवियर है वो कुछ भी वैसा नहीं होता। तो ज्यूस जो है इनका जो है इंस्टाग्राम पे एक अलग से शिवम जी ने पेज बनाया हुआ है, तो किस नाम से आईडी है सर? ज्यूस द टेरियर। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर कोई पिटबुल लवर है या किसी को अगर डॉग के मतलब की अपडेट्स या जो पेजेस वगैरह फॉलो करते हैं वो वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और जो चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहिए डाइट को लेके या इसकी ग्रूमिंग वगैरह कैसा रहा शेडिंग वगैरह के लिए? शेडिंग तो डॉग्स करते ही हैं गर्मियों के सीजन में। और एक चीज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग है,
पिटबुल जिसे कहते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट डॉग है। अब जैसे गर्मियों में कभी ये होता है कि हम एसी ऑन करेंगे, ठीक है, ये एसी के बिल्कुल सामने जाके बैठ जाएगा, इसको पता है वहां से ठंडी ठंडी हवा आएगी, ठीक है। फिर जैसे लाइट जाती है, एसी बंद होता है, ऑटोमेटिकली फैन के नीचे आ जाता है, क्योंकि इसको पता है वहां पे ठंडी हवा आएगी। तो ऐसे मतलब कमांड भी बड़ी जल्दी पिकअप कर लेता है। तो और इसको गर्मी मतलब की जैसे आप बता रहे हो अभी, जैसे ये इतना ज्यादा हाफ रहा है, ये इसकी गर्मी है या ऐसे ही सर्दियों में भी ऐसे ही करता था? सर्दियों में नहीं, अब जैसे ये अभी इसको हमने थोड़ा खिलाया, वॉक वगैरह कराई है, थोड़ा भागा है, तो उस वजह से थोड़ा ये कर रहा है हाफ। वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया ना। शिवम जी जो है वो हमारे जम्मू के अंदर सिटी, मेन सिटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे जो है मतलब की कंजस्टेड होता थोड़ा सिटी में, और वहाँ पे एक डॉग रखना, चाहे वो लैब हो, पोमेरियन भी हो, तो बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे पिटबुल को रखना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने क्या है कि अपने घर के अंदर ही रखा है, इसको वॉक वगैरह करवाते हैं, तो इसके अलावा आप खाने में क्या देते हैं इसको? खाने में अब इसकी फीडिंग जो है वो, पहले तो मैंने सोचा था पेडिग्री वगैरह दूंगा, फिर मैंने सुना उसके रिव्यूज अच्छे नहीं थे पेडिग्री वगैरह के, तो फिर मैंने इसको टॉप की ही देता हूँ, जैसे रॉयल केनाइन हो गया और स्मार्ट हार्ट का पावर पैक, वो ही देता हूँ। ठीक है, ट्रीट्स वगैरह तो चलते रहते हैं। अभी ये डॉग खाली 10 महीने का, और ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई कुछ आपने इसको? ट्रेनिंग करवाता हूं मैं। तो कितना मुश्किल है एक पिटबुल को ट्रेन करना? मुश्किल तो है, बट अब टाइम निकालना भी जरूरी होता है। अब जैसे ऑफिस जाओगे, सैटरडे संडे का टाइम होता है, तब जितना हो सके हमसे उतना करते हैं। ठीक है शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो आगे भी जो है इसी चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो पेट ओनर्स हैं उनसे बात की जाए, जो ब्रीडर्स हैं उनसे डॉग या किसी भी ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने से ज़्यादा अच्छा है, जिन लोगों ने उसके साथ एज अ पेट उनको रखा है, क्योंकि हम भी जब लेंगे तो एज अ पेट ही लेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस खुद का शेयर किया जाए। तो इसी के साथ जो है, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है और पसंद आता है ये चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ शिवम जी, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, और अगर अभी भी आपको ये डॉग पसंद आ रहा है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे मिलना होगा अगर कोई, तो मिला भी सकते हैं उसको, लोकल कोई हुआ तो। लोकल को मतलब कि आप लाइव दिखा देंगे कितना फ्रेंडली और कितना एग्रेसिव है। एक और चीज जाते जाते मैं ये चीज बोल दूं कि ये मिंथ वाली बात ठीक है इनकी, इसमें मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा है कि पिटबुल जो है ना, अब ये बात आएगी है तो मैं एक चीज बताऊं कि पिटबुल एग्रेसिव है, लेकिन वो तब है कि पहले तो सबसे पहले अभी कभी भी पिटबुल लेना हो ना, उसकी लाइन देख के उसके पेरेंट्स से पहले आप देखें, पेरेंट्स को उनको मतलब कि लाइव अपनी आंखों के सामने देखें कितना एग्रेशन है उनमें। डॉग्स बहुत महंगे महंगे भी है पिटबुल, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो मैंने सुना है, पता नहीं एक बात कितनी सच है, कि पिटबुल को एग्रेसिव बनाने के लिए उसको टॉर्चर भी किया जाता है, मतलब कि फाइट्स वगैरह तो चलो होती हैं, वो वैसे भी इलीगल है, लेकिन इन डॉग्स को जो है टॉर्चर किया जाता है, जब उनके ब्लड में रेगुलरली फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनका बिहेवियर ही उस तरह से किया जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जो आगे बच्चे निकलेंगे उनमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो हमेशा जब भी कभी पिटबुल लें तो उसके जो है पेरेंट्स वगैरह जो है उनको देख के लें कि कितने फ्रेंडली हैं, कितने एग्रेसिव हैं, उसके बाद एक बच्चे को चूज करें। तो यही मेरा मैसेज था, इसी के साथ थैंक यू शिवम जी।